टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 फरवरी का द वोकैब, सो जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है डॉगजी। डॉगजी क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट और अनरिलेबल, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जिस जो कि कैसा हो, डिसऑनेस्ट हो, वो ईमानदार ना हो, अनरिलेबल हो, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं डॉग जी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रूड या डिसाइटफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट या रेपुटेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, फौजी अपने कंट्री के प्रति कभी डॉग जी नहीं होते, यानी फौजी अपने कंट्री के प्रति कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होते, अनरिलेबल नहीं होते। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग डॉग जी, यानी मुझे कोई भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना जो कि कैसा हो, डिसऑनेस्ट हो या अनरिलेबल हो। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे हमने यहाँ पे देखा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीवोलियस। फ्रीवोलियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई बहुत सीरियस पर्पस नहीं है या उसका कोई बहुत अच्छा वैल्यू नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्रीवोलियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लिपेंट या फैटियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट या सीरियस। याद करने की ट्रिक देखिए, फ्री वाले प्रोडक्ट्स फ्रीवोलियस होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स हमें फ्री मिलते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट के साथ कोई चीज़ फ्री में मिल रही है कोई प्रोडक्ट, तो वो कैसी होती है? उस बहुत अच्छा वैल्यू उसका वो नहीं होता और उसका कोई सीरियस पर्पस नहीं होता, वो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी कि फ्री वाले प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? फ्रीवोलियस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, माई मदर ऑफन एक्सपेंड्स हर पेंशन ऑन फ्रीवोलियस परचेजेस सी नेवर यूजेस। मेरी मदर जो है वो क्या करती हैं, उनको जो पेंशन मिलता है वो उसे फ्रीवोलियस परचेज में लगा देती हैं, एक्सपेंड कर देती हैं। फ्रीवोलियस यानी ऐसी चीज़ जिसका कोई पर्पस नहीं है, फालतू में उसे वो क्या कर देती हैं, उस फालतू के परचेजेस में एक्सपेंड कर देती हैं जो वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करती। तो यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ क्लियर हो गया होगा कि इसके हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनड्यूली। अनड्यूली क्या होता है? ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मोर देन इज नेसेसरी, एक्सेप्टेबल और रीजनेबल। कोई भी चीज़ जो कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो या जितना एक्सेप्टेबल है उससे ज़्यादा होना क्या कहलाता है? अनड्यूली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेसिवली या नीडलेसली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्यूली या अप्रोप्रिएटली। याद करने की ट्रिक देखिए, ड्यूटी पे अनड्यूली बातें नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी ड्यूटी पे रहते हैं तो हमें उतनी बात करनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है, तो अनड्यूली बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रिक से हमें यह वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिस एरिया आर अनड्यूली हाई। जो पॉल्यूशन का लेवल है इस एरिया में वो अनड्यूली हाई, यानी एक्सेसिवली हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, जितना एक्सेप्टेबल है उससे भी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टाइमाई। स्टाइमाई क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, यानी किसी भी चीज़ में जो प्रोग्रेस है उसको प्रिवेंट कर देना, उसे रोक देना या उसमें रुकावट बनना क्या कहलाता है? स्टिग्माई। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्पेंड या हैम्पर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? असिस्ट या हेल्प। याद करने की ट्रिक देखिए, टाइम वेस्ट करने से ग्रोथ स्टाइमाई हो जाती है, यानी अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है? प्रिवेंट हो जाती है, हिंडर हो जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो इस ट्रिक से हमें ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, माई राइवल डिड एवरी थिंग सी कुड टू स्टाइमाई माई एफर्ट्स टू विन। मेरा जो राइवल है यानी कि जो विरोधी है वो सब कुछ इतना कर हर एक ऐसे एफर्ट्स लगा रहा है जो कि मेरे सक्सेस को, मेरे जीत को प्रिवेंट कर सके, हिंडर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बिगअप। बिगअप क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रमोट और एग्जैगरेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ, यानी किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, प्रचार करना और उसे एग्जैगरेट करना, यानी बढ़ा चढ़ा के उसकी इंपॉर्टेंस को बताना क्या कहलाता है? बिगअप। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई या ओवर एम्फेसाइज। याद करने की ट्रिक देखिए, अपने स्मॉल स्टेप को बिग अप करके पॉलिटिशियन बिग अचीवमेंट करते हैं, यानी पॉलिटिशियन का क्या काम होता है, वो अपनी छोटी चीज़ों को भी इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि उन्हें और भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मिले।
तो वो अपने स्टेप्स को बिग अप करके दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे तो इस ट्रिक से हमें ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द आर्टिस्ट गेव अ बिग अप टू हिज फैंस एट द एंड ऑफ द कंसर्ट। जब कंसर्ट एंड हो गया तो आर्टिस्ट ने क्या किया, बिग अप दिया अपने फैंस को, यानी अपने फैंस को प्रमोट किया, उनके इंपॉर्टेंस को एग्जैग्रेट करके बताया कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं उसके लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे और जितने भी ट्रिक्स मैंने बताए सब आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे और आपको वर्ड्स याद करने में हेल्प कर रहे होंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो दिस फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।